यात्रा का ये आपका कितना साल है? ये फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम बाबा बुलाए हैं फर्स्ट टाइम में। तो ये पहाड़ में ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। फिर देख रहे हैं यहाँ पर दौड़ते हुए भागते हुए, देखिए हर हर महादेव सुइया पहाड़ से, और यहाँ से आगे जो है वन क्षेत्र शुरू हो जाता है। लेकिन आज देख रहे थोड़ा सा भीड़ कम लग रहा है, इसलिए जो है आप सभी को चलते हुए दिखा रहे हैं। नज़ारे जितना हो रहा है आप सभी तक पूरा कैद हो रहा है और पहुँच रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता जा रहा है इस जगह पर। देखते हैं आगे जहाँ पर मनोकामना पहाड़ है, वहाँ पर जा करके वहाँ पर दिखाने का प्रयास रहता है किस प्रकार है। इस जगह पर भीड़ दिख रहा है, पहले तो नहीं, जहाँ से शुरुआत की है वहाँ तो भीड़ नहीं था। थोड़ा सा बढ़ते हैं धीरे धीरे करके, फिर दिखाते हैं आगे किस प्रकार का नज़ारा है। वन क्षेत्र यहीं से आगे से शुरू हो जाता है सुइया पहाड़ का, और बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है कि सुइया पहाड़ दिखाइए। वैसे देख रहे हैं अभी बारिश हो रही है ना, तो बारिश में कांवरिया भक्त जो है विश्राम में रह जाते हैं, दुकानों में बैठ जाते हैं और ज़्यादा मतलब नहीं चलते हैं। जिसको बारिश में ज़्यादा चलना आनंद रहता है वो चलते हैं। इसलिए देखते हैं यहाँ से, देख रहे हैं वन क्षेत्र का बोर्ड लगा हुआ है और पहुँच चुके हैं पहाड़ के पास। फिर देखते हैं वहाँ चलकर वहाँ का नज़ारा कैसा रहता है। बिल्कुल ज़बरदस्त माहौल यहाँ पर, बड़े बड़े कांवर भी देखने को मिलते जा रहे हैं इस जगह पर। देख रहे हैं कितना ज़्यादा नज़ारा जो है भव्य वाला देखने को मिलता जा रहा है, और आप सभी देख ही पा रहे हैं बिल्कुल ज़बरदस्त बड़े बड़े कांवर लेके जा रहे हैं बाबा धाम। देख रहे हैं बारिश भी तो बिल्कुल हाई लेवल का हो रहा है भाई, मैं भी भींग रहा हूँ। और आप सभी को दिखाते हैं इस पहाड़ के पास पहुँच कर, यहाँ पर भी देख रहे हैं बड़े बड़े कांवर देखने को मिलते जा रहे हैं आप सभी को। दोस्तों अभी दिखा रहे हैं ना, अभी चलकर दिखाए थे, बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी थी इसलिए थोड़ा सा दुकान में विश्राम कर रहे थे, रुके हुए थे। और देख रहे हैं किस प्रकार कांवरिया भक्त जो है बिल्कुल नज़ारे बहुत ही ज़्यादा कैप्चर होते हुए जा रहे हैं बाबा धाम के रास्ते में सुइया पहाड़ में। और यहाँ पर देख रहे हैं पत्थर पे पत्थर रख के जो है अपना जो है मन्नत मांगते हैं और थोड़ा जानकारी लेते हैं। बोलबम, ये जो पत्थर पे पत्थर रखते हैं ये क्या रिवाज होता है, कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जानकारी है कि जैसे घर द्वार तीन तल्ला चढ़ता है घर बनाने के लिए, अगर एक तरह से कह सकते हैं वो मन्नत ही हो गया ना, मन्नत मांगा जाता है। तो क्या वो ऐसा मन्नत पूरा भी हो जाता है? होता है तो जा रहे बाबा की नगरी में पैदा। अच्छा, कभी हुआ है क्या? होगा ही। अच्छा हुआ है, मतलब उम्मीद है बाबा से। और बारिश में चलने में कैसा लग रहा है? जबरदस्त। बोल बम। देख रहे हैं और यहाँ से आगे दिखाते हैं थोड़ा, इस जगह पे देख रहे हैं फिर से आप सभी को दिखा रहे हैं, एक बार फिर से लेके आए हैं और आज आए हैं। पिछली बार दिखाए थे उस वक्त भी बारिश हो रही थी और आज भी आए हैं तो आज भी बारिश हो रही है। मतलब जब भी आते हैं यहाँ पर तो सुइया पहाड़ में बारिश होने लगती है, और जैसे ही बारिश होती है तो भीड़ देख रहे हैं जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे ही कुछ यहाँ पर नज़ारा आप सभी तक पहुँच रहा है पूरा सुइया पहाड़ का, ये देखिए बोल बम नज़ारे तो आप सभी तक पहुंच ही रहे हैं। बिल्कुल बाबा धाम कांवरिया पथ का ये सुइया पहाड़ का देख ही रहे हैं किस प्रकार देखने को मिलता जा रहा है, और लंबी लाइन एक प्रकार से देखने को मिलता ही जाता है और कांवरिया पथ का नज़ारा आप सभी तक पहुंचता ही जाता है। जैसे देख रहे हैं लंबी लाइन वहाँ से, वो वाला जो पहाड़ है ना वो बिल्कुल जो है पत्थर पर पत्थर रख करके ही इसी प्रकार ऊँचा बना दिया गया है। और समझ रहे हैं यहाँ पर भी देखिए इस जगह पर कितना ज़्यादा रखा हुआ है, इसी प्रकार रखा जाता है वहाँ पर भी। और लगभग आप सभी तक सारा अपडेट पहुंचाने का प्रयास रहता है। और आज भी देख रहे हैं सुइया पहाड़ पहुंचकर यहां पर देखिए किस प्रकार फ़ोटोशूट चलना शुरू हो गया है, एक यादें लेकर के जाने का प्रयास रहता भी है और बिल्कुल जो है लेकर जाते भी है कांवरिया भक्त सभी। और इधर में देख रहे हैं, ये देखिए ये वन क्षेत्र का जो नज़ारा होता है ना, यहाँ पर देखिए हो रहे हैं फ़ोटोशूट वीडियो शूट, एक यादें पूरा वन क्षेत्र देख रहे हैं किस प्रकार है। और यहाँ पर देखिए ये दुकान वाले जो हैं वहाँ से आगे से शुरू हो जाते हैं, और इस जगह पर शुरुआत में ये रहता है पुलिस कैंप जो कि आप सभी को दिखाते हैं, एक शुरुआत में एक लास्ट में, दोनों तरफ वन क्षेत्र में रहता है। बाकी देख रहे हैं ये पहाड़ के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं आप सभी तक किस प्रकार पहुँच रहा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाला देखने को मिलता जा रहा है। बोल बम देख रहे हैं किस प्रकार है, और लगातार देख रहे हैं यहाँ पर चल रहा है ना फोटोशूट। ये वाला जो सीन होता है ना, एक याद वन क्षेत्र वाला, बिल्कुल लेकर के ही जाते सभी कोई सुइया पहाड़ में, ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। बिल्कुल नज़ारा आप सभी तक पहुंच रहा है बाबा धाम कांवरिया पथ का और बिल्कुल सुइया पहाड़ के वन क्षेत्र का, जो कि आप सभी तक देखने को मिलता ही जा रहा है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार दिख रहा है,
बोलिए कैसा चल रहा है यात्रा? चल रहा है यात्रा। बारिश वाला कैसा चल रहा है? बारिश में थोड़ा मजा आ रहा है चलने में। अच्छा, दर्द कम हो गया है। बाकी सुइया पहाड़ कैसा लग रहा है? बाकी सुइया पहाड़ तो पहले से ही ठीक है, अभी भी ठीक ही है। बारिश होती तो बहुत ज्यादा आनंद आता है बारिश में चलने में। बारिश में चलने में थोड़ा आनंद हो रहा है, बारिश नहीं थी, अभी धूप था तो थोड़ा। अच्छा, यात्रा का आज कितना दिन हो रहा है? आज ये दूसरा तीसरा दिन है, तीसरे दिन का सुबह है। अच्छा, कितने सालों से आ रहे हैं? मेरे को 6-7 साल हो गए। वाह, क्या बात, कहाँ से हैं आप? मैं सिवान जिला। अच्छा, बोल बम बोल बम। बाकी सब ठीक ठाक ना यात्रा में? बाबा के कृपा। जानकारी कैसा रहता है इस चैनल पे? जानकारी योगेंद्र जी के चैनल पे बहुत बढ़िया रहता है। बोल बम बोल बम, हर हर महादेव। हर महादेव, देख रहे हैं किस प्रकार मिल जाते हैं कांवरिया भक्त बाबा धाम की यात्रा में। वैसे देख रहे हैं नजारा, आप सुविधा किस प्रकार पहुंच रहा है, देख रहे हैं लंबी लाइन यहां पर देखने को मिलता जा रहा है। और ये सुइया पहाड़ में भाई लंबी लाइन ना हो, ऐसा ही कुछ नज़ारा हो जाता है बिल्कुल सुइया पहाड़ का। और माहौल भी देख रहे हैं किस प्रकार देखने को मिलता जा रहा है लगातार आप सभी भक्तों तक। देखिए जैसे ही बारिश शुरू होती है ना, वैसे ही यहाँ पर जो है कांवरिया पथ का नज़ारा मिल जाता है और ज़बरदस्त नज़ारा मिलता है। देख रहे हैं किस प्रकार जो है फोटोशूट होने के बाद, फिर देख रहे हैं यहाँ पर दौड़ते हुए भागते हुए, देखिए किस प्रकार भागते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल कह सकते हैं एकदम तेजी से निकल जाते हैं बोलबम का नारा लगाते हुए। अभी दिखा रहे थे किस प्रकार जो है फोटो शूट वीडियो शूट कर रहे थे वहां पर सुइया पहाड़ में। भीड़ शुरू हो गया ना सुइया पहाड़ में फिर से बारिश वाले नजारे के साथ। बोलबम 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 बोलबम, ये सभी आप देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलता जा रहा है। लगातार जितना भी होता है उतना अपडेट आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास रहता है। चलते हैं थोड़ा पहाड़ों के ऊपर, दिखाते हैं किस प्रकार वहाँ पर अभी भी जो है ना पत्थर पर पत्थर रखने की जो प्रक्रिया चल रही है। बोलबम 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 बोलबम, देख रहे हैं सुइया पहाड़ का ये जो माहौल होता है, बोलबम बोलबम, बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है सुइया पहाड़ में। बोलबम बोलबम, ये नज़ारे आप सभी तक पहुंचाने का बहुत ही ज्यादा प्रयास रहता है। चलते हैं, अब वहाँ का दिखाने का बात था कि वहाँ पर जो है तो दिखाते हैं इस बार कैसा दिखता है। वैसे तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, हुई थी, अभी तो थोड़ा सा कम हुई है, रफ्तार धीमा हो गया बारिश वाला, लेकिन नज़ारे आप सभी तक पहुँचाते हैं थोड़ा सा वहाँ का। देखते हैं वहाँ पर अभी क्या दिख रहा है, पत्थर पे पत्थर रखने की प्रक्रिया जो है किस प्रकार देखने को मिलता जा रहा है। बोलबम बोलबम, कैसा यात्रा चल रहा है? अच्छा, बारिश वाला मौसम में कैसा यात्रा रहता है? अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा रात मिल रहा है। अच्छा, सुइया पहाड़ पहुंचने में कितना समय हो गया, आज कितना दिन हो गया? आज सुबह ही हम लोग 6 बजे निकले थे, 5 बजे। अच्छा, और अभी तक तो 2 घंटा वेट रेस्ट किए, उसके बाद अभी पहुंचे हैं। अच्छा, बारिश कहाँ से मिल रहा है, कौन सी जगह पर से? यहीं से मिल रहा है, सामने पुल है ना। अच्छा अच्छा, फर्स्ट वाला जो अंडर पास है वहीं से मिल रहा है। और यात्रा का ये आपका कितना साल है? ये फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम? हाँ फर्स्ट टाइम बाबा बुलाए। बाबा बुलाए हैं फर्स्ट टाइम में। बाकी बाबा का कृपा भी यात्रा में कैसा हो रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा सफर है। अच्छा, बोलबम बोलबम, हर हर महादेव। तो अब दिखाते हैं थोड़ा सा आगे चलकर इस जगह पे, यहाँ का नजारा आप सभी तक पहुँचाना था ना, इस जगह पर दिखाते हैं ना किस प्रकार जो है पत्थर पे पत्थर रख करके यहाँ पर जो होता है वो आप सभी तक पहुँचाते हैं। बोलबम, देख रहे हैं ना कैमरा देखते हुए बहुत सारे बम जो है ना, एक बार अपना बोलबम का नारा महादेव का जयकारा लगा ही देते हैं। बोलबम 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 बोलबम, देखिए किस प्रकार गुजरा है बोलबम बोलबम। और यहाँ पर दिखाते हैं इस जगह की बात कर रहे थे, ये देखिए अब समझ सकते हैं ना, यहीं से देखिए किस प्रकार जो है, ये देखिए कितना ज्यादा जो है ना ऊंचा वाला पहाड़ बन गया रखते रखते। और यहाँ पर भी देख रहे हैं लगातार रखते हैं और धीरे धीरे देख रहे हैं रखते रखते कांवरिया पथ पर आ चुके हैं और देखिए फिर से पहचान चुके हैं। थोड़ा सा चलते हैं कांवरिया भक्त से मिलते हैं। बोलबम बोलबम, कहाँ से हैं? रांची से। बिल्कुल पहचान जाते हैं देखते देखते देखते, आपका यूट्यूब कंटिन्यूअसली देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कहीं ना कहीं मिलेंगे। बिल्कुल, सुइया पहाड़ में मिलना था, यहीं पे मिल गए हैं। नहीं, पिछली बार आप कुमारसार में थे कुछ दिन पहले। अच्छा अच्छा, यात्रा ठीक ठाक चल रहा है ना? अच्छा, बाबा का कृपा कैसा है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोलबम बोलबम, हर महादेव। देख रहे हैं किस प्रकार जो है चलता जा रहा है यात्रा, आप सभी को दिखाते हैं। फैमिली मिल जाते हैं ना, वाईटी फैमिली वाईटी परिवार, जो भी होता है सारा अपडेट आप सभी तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है और आप सभी तक पहुँचाते भी रहते हैं। और देख रहे हैं किस प्रकार जो है नज़ारा आप सभी तक देखने को मिलता जा रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं इस जगह का जो नज़ारा है वो तो सारा कुछ आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास रहता भी है और लगातार देख रहे हैं ये वाला चीज़ तो अक्सर यहाँ पर किया जाता है। इसी की वजह से देख रहे हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा ये पत्थर पे पत्थर, देख रहे हैं वहाँ तक पूरा वन क्षेत्र में, यहाँ से यहाँ तक देखिए
पूरा भरा हुआ है और ये ऊंचा पहाड़ बन चुका है। इसी तरह का नियम को करते करते पूरा जो है ना सुइया पहाड़ में ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिलता जा रहा और ऐसा ही नज़ारा मिलता भी रहेगा। जब जब यात्रा होगी तब तब देखने को मिलेगा। सावन में तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों जितना भी हो सका वो आप सभी तक सारा अपडेट पहुँचाने का हमारा प्रयास रहा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ नए नज़ारे के साथ। हरे महादेव। आप सभी भक्त को सुइया पहाड़ वन क्षेत्र वाला कांवरिया पथ से।